जो वॉल पे चित्रकारी बनी हुई है वो कितना ज़्यादा खूबसूरत दिखती है। तो रोड का तो काम पूरा कंप्लीट हो गया है, बस ये लाइटें वगैरह जो भी थी ये भी पूरी तरीके से लग गई है। बस ये जो सामने मकान आपको दिख रही है इसका अभी केस चल रहा है। मॉर्निंग गाइस, जय श्री राम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी हम हैं दर्शन नगर मार्केट में और आज मैं आपको दिखाऊंगा जो अम्बेडकर नगर रास्ता है वो फोर लाइन बन रहा है, तो कहाँ तक काम पहुँचा है वो। बाकी ये दर्शन नगर जो मार्केट है पूरी मार्केट टूटनी है क्योंकि रोड चौड़ीकरण करना है, तो अभी फ़िलहाल मार्किंग वगैरह की गई है। बाकी अभी अंदर की जो मार्केटें हैं वो टूटी नहीं है, अभी टूटने का काम शुरू नहीं हुआ है। और बाकी जो फ्लाईओवर यहाँ दर्शन नगर वाला बन रहा है उसका काम कितना कंप्लीट हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखेंगे तो आप, सामने जो फ्लाईओवर बन रहा है वो अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, पिलर्स वगैरह खड़े कर दिए गए हैं, बाकी अभी आगे से यहाँ तक का लाना है पूरा जो ये फ्लाईओवर बनेगा। ये अभी कार्य प्रगति पर है, जो बोर्ड लगा हुआ है ये। बाकी फ्लाईओवर देखेंगे तो आप अभी कितना कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे फ्लाईओवर बनने का बस एक ही कारण है क्योंकि यहाँ जाम बहुत लगता है रेलवे की क्रॉसिंग की वजह से, और जैसा कि आप देखेंगे तो अभी भी क्रॉसिंग पे जाम लगा ही हुआ है। और बाकी जो रेलवे के एरिया का कंस्ट्रक्शन है वो अभी कितना कंप्लीट हुआ है वो आप देखेंगे। तो ये फ्लाईओवर अभी इतना इधर का कंप्लीट हुआ है, बाकी इधर का भी फ्लाईओवर का जो पिलर्स पड़े हैं वो पड़े हैं, बाकी सेंटरिंग का काम अभी ऊपर चल रहा है और अभी टाइम लगेगा ये फ्लाईओवर कंप्लीट होने का अम्बेडकर नगर रास्ते पे। और अभी इतना काम कंप्लीट हुआ है, बाकी अभी क्रॉसिंग गिरी हुई है जाम की वजह से, ये फ्लाईओवर बनाया जा रहा है जिससे जाम से निजात पाया जा सके क्योंकि बहुत ज़्यादा जाम यहाँ पे लगता है। अभी फाइनली चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं कि और क्या काम हो रहा है इस रोड पे। फाइनली काफ़ी देर से क्रॉसिंग गिरी हुई थी, अभी जाके खुली है क्रॉसिंग। तो ये देखेंगे तो अभी इस साइड भी फ्लाईओवर का काम इतना ही कंप्लीट हुआ है, बाकी ये लेफ्ट साइड जो मेडिकल कॉलेज है दर्शन नगर का वो है, तो ये फ्लाईओवर अभी इतना ही कंप्लीट हुआ है। बाकी आगे रोड पे देखेंगे तो रोड का जो चौड़ीकरण होना है वो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, रोड का चौड़ीकरण इधर देखेंगे तो काम शुरू है अभी। फ्लाईओवर थोड़ा डिले है लेकिन जो रात में जो काम होता है फ्लाईओवर का वो काफ़ी तेज़ी से होता है। और बाकी रास्ता आप देखेंगे तो ये जो हाईवे बनना है अकबरपुर का वो उसका चौड़ीकरण का काम तेज़ी से खींचा जा रहा है कि जल्दी से जल्दी काम कंप्लीट हो। और फाइनली अभी गोसाईगंज साइड पे तो किसी किसी जगह तो पूरा कंप्लीट हो गया रोड, बस बीच में वही जगह बची हैं जहाँ पे पेड़ पौधे फूल वगैरह लगाना है वो। इधर अब काम तेज़ी से इसलिए खींचा जा रहा है क्योंकि अभी ये फाइनली अयोध्या को टच करने वाली है यहाँ से, तो इधर अभी जितने काम जल्दी ख़त्म रहेंगे उतने जो ये जाम लगता है उससे निवारण होगा। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ दो डिवाइड हो गया दो पार्टों में, कि एक डिवाइडर जो बना दी गई है यहाँ से कि एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड फोर लाइन का जो व्यवस्था है इधर। और ये अभी फाइनली पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है क्योंकि ये भी थोड़ा सा और ऊंचा करना है ये, क्योंकि जो डिवाइडर बनी है डिवाइडर में बस दो वित्ते का गैपिंग होना चाहिए, चाहेगा तो अभी नीचे से और काम होना है। बस ये है डिवाइडर बन गया तो जिससे ये हो सके कि जो लेफ़्ट वाले आते हैं लेफ़्ट साइड से बाकी राइट साइड से आते हैं वो। और अभी भी बस यहाँ डिवाइडरों का काम हुआ है, बाकी रोड का काम अभी डिले ही है। और इधर आपको बुलडोज़र और यही सब दिखाई देंगे, प्रेशर मशीन जो काम चल रहा है। और भी देखिए कि कब तक ये कंप्लीट होता है, बाकी जो मिट्टी वगैरह का जो ला के पाटते हैं वो यहाँ पे इकट्ठा किया जा रहा है।
और जो साइड साइड से सीवर भी बनना है, सीवर का काम भी इधर चल रहा है, अभी कंप्लीट हुआ है सीवर का भी। तो इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से काम हो रहा है, क्योंकि ये देवकाली से एकदम सटा हुआ है शंकरगढ़, अभी हम लोग पहुँचे हैं इस वजह से। तो जो अयोध्या से सटा हुआ है, इस वजह से काम काफ़ी तेज़ी से इधर से हो रहा है। और जो सीवर का बड़ा सा जो गड्ढा बनता है वो इधर कंप्लीट हो रहा है। और आने वाले टाइम में आपको इस रूट पे जो जाम मिलता है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि फोर लाइन बनेगा यहाँ से बनारस तक का। तो ये जो अयोध्या और बनारस का रूट है वो जोड़ने का प्लानिंग, जिससे क्या हो कि जो पर्यटक आए उनको आसानी हो सके बनारस से भी। रास्ते अगर कोई आता है पर्यटक बाहर से, तो विदेशी वगैरह भी अगर आना चाहेंगे तो आसानी से आएंगे। इसको देखते हुए इधर का जो रोड बनना है वो काफ़ी चौड़ा बनना है, और रोड पे इस तरीके से बनाया जा रहा है क्योंकि पानी वगैरह ना इकट्ठा होने पाए, जिससे क्या है कि रोड टूटने ना पाए। क्योंकि बरसात में अगर पानी इकट्ठा होता है तो रोड टूटने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, इस वजह से। देखेंगे तो आप, अभी इधर जो चौड़ीकरण होना था, जितना एरिया लेना था गवर्नमेंट को उतनी एरिया ले चुकी है, बस सीवर का काम अब शुरू हो गया। इधर सीवर का काम कंप्लीट हो जाने के बाद फिर रोड का निर्माण शुरू हो जाएगा इस एरिया में। यहाँ पे आप देखेंगे तो अभी फाइनली इतना ज़्यादा एरिया जितना लेना था उतना ले चुके हैं। अभी जो बीच बीच पे ये मंदिर पड़ रहा है छोटे से, ये हटाए जाएंगे। बाकी छोटा मंदिर पड़े या छोटा मस्जिद पड़े वो दोनों हटाए जाएंगे, क्योंकि रोड निर्माण में इससे यहाँ से रोड घुमाया नहीं जा सकेगा, इस वजह से सीधे रोड रखी जाएगी। तो जो छोटे छोटे मंदिर पड़ेंगे वो, जो छोटे छोटे मस्जिद मज़ार टाइप का पड़ेगी वो दोनों हटाने का काम किया जाएगा। फाइनली अभी पहुँचे हैं देवकाली, जो लखनऊ गोरखपुर हाईवे है ऊपर से, बाकी ये देवकाली नीचे। इस समय बस देवकाली पे आपको ये देखने मिलेगा कि जो रेड लाइट एरिया थी, ये जो रेड लाइट जलता था वो अभी कोई आपको फॉलो करते हुए नहीं दिखेगा। ये अभी काफ़ी दिनों बाद ही फॉलो होगा। और अभी चलेंगे, आज आपको दिखाएंगे कि कितना डेवलप हुआ है साकेतपुरी कॉलोनी। तो ये देवकाली के आप फ्लाईओवर के नीचे देखेंगे, तो गर्मी में अभी ये काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि गर्मी में काफ़ी ज़्यादा छाया का काम करेगा और रुकने के लिए। और ये जो वॉल पे चित्रकारी बनी हुई है वो कितना ज़्यादा खूबसूरत दिखती है ये देवकाली की फ्लाईओवर पे। फाइनली जितने भी फ्लाईओवर बनने उन पे सब पे ये आकृतियाँ बन रही हैं, जिससे अगर आप अयोध्या से होके जाएंगे तो आपको अयोध्या में आने का एहसास होगा। रामायण काल से जितनी भी घटनाएं वो सब आपको ज़्यादातर वॉल पे दिखेंगी, या रोड पे जो लगाई जाती है रामायण काल की जो जितनी भी घटनाएं हैं वो। समय जो साकेतपुरी कॉलोनी है इसका भी काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। जो लाइटें वगैरह रोड पे लगनी थी वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई हैं। बाकी जो रोड का चौड़ीकरण होना था वो भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, बस थोड़ा सा बचा हुआ बीच में एक मकान आई थी जो कि अभी फाइनली उसका केस वगैरह चल रहा है, इस वजह से वो अभी पूरी तरीके से निर्माण उधर कंप्लीट नहीं हुआ है। बाकी जो लाइटें लगनी थी वो पूरी तरीके से आप देखेंगे तो कंप्लीट हो चुकी है गाइस। और कितना खूबसूरत दिखता है ये लाइटें जब लगने के बाद, और शाम के टाइम तो और ही ज़्यादा खूबसूरत व्यू आता है इसका। इस समय सबसे खूबसूरत कॉलोनी यही मानी जा रही है साकेतपुरी कौशलपुरी के बाद। और ये जो लाइटें लगी हैं, ऐसे ही लाइटें अभी राम भक्त पथ पे और राम पथ पे दोनों पे लगनी है, जो हनुमानगढ़ी से राम जन्मभूमि की तरफ रास्ता जाता है उस पे। बाकी जो बीच में अभी फूल वगैरह लगने हैं उसके काम चल रहे हैं। और यहाँ से आप देखेंगे तो अभी लाइटों के बीच में रेलिंग लगेगी, रेलिंग लगने के बाद जो फूल और पौधे लगाने उसका काम शुरू होगा। तो रोड का तो काम पूरा कंप्लीट हो गया है, बस ये लाइटें वगैरह जो भी थी ये भी पूरी तरीके से लग गई है,
बस ये जो सामने मकान आपको दिख रही है इसका अभी केस चल रहा है, ये फाइनल नहीं हुआ, इस वजह से वो राइट साइड वाला रोड पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी जब इसका केस फाइनल हो जाएगा तब ये मकान टूटेगा और उसके बाद ही पूरा आगे का रोड फाइनल होगा। बाकी लाइटें तो अपना पूरा लग गया देखेंगे तो आप। तो फाइनली वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अयोध्या से डेवलपमेंट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय श्री राम।